सवाल है 3000 से 4000 के बीच में हमको नंबर्स बनाने हैं। सवाल पूछ रहा है कि कितने ऐसे नंबर्स बन सकते हैं जो 5 से डिविजिबल हों और जिसमें सिर्फ ये 6 डिजिट्स का यूज़ किया गया हो। तो अपने को कौन कौन से डिजिट्स यूज़ करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिर्फ इन डिजिट्स को यूज़ करना है और 3000 से 4000 के बीच में नंबर्स बनाने हैं। तो 3000 से 4000 के बीच में जितने भी नंबर्स बनेंगे वो कितने डिजिट के होंगे, वो सिर्फ 4 डिजिट के होंगे। अगर हम 4 डिजिट से ना छोटा कर सकते हैं ना बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हमको 3000 से 4000 के बीच में नंबर्स बनाने हैं। अब देखिए, एक कंडीशन इसने लगाई है कि जो नंबर्स बना रहे हैं वो 5 से डिविजिबल होने चाहिए, 5 से डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पर क्या आना चाहिए, 0 या 5, लेकिन 0 तो इसमें है नहीं, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं। अच्छा, और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि नंबर 3000 से 4000 के बीच में होना चाहिए। तो इस प्लेस पर हम देखिए क्या भर सकते हैं, इस प्लेस पर अगर हमने 1 या 2 भर दिया तो नंबर 3000 से छोटा हो जाएगा। इसी तरह इस प्लेस पर अगर हमने 5 और 6 भर दिया, 5 तो भर ही नहीं सकते, 4 और 6 भर दिया तो नंबर 4000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्लेस पर हम सिर्फ 3 भर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा 5 और 3 यूज़ हो गया, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन बोला है, नंबर डिजिट्स रिपीट नहीं होना है। तो इस प्लेस को भरने के हमारे पास कितने तरीके हैं, सिर्फ एक तरीका, 3 आ सकता है यहाँ पर। इसी तरह से इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं, सिर्फ एक तरीका, सिर्फ 5 आ सकता है यहाँ पर। अच्छा, अब हमारे पास कितने डिजिट्स बचे, 4 डिजिट्स बचे, 1, 2, 4 और 6 बच गया। तो इस प्लेस पर क्या हम 1, 2, 4 और 6 में कुछ भी भर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कुछ भी भर सकते हैं। तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं, 4। तो एक डिजिट यहाँ पर आ जाएगा, एक डिजिट जब यहाँ पर आ जाएगा तो वो डिजिट दोबारा तो यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन बोला है, तो वो डिजिट यहाँ पर अब यूज़ नहीं होगा। तो 4 में से एक डिजिट यहाँ यूज़ हो गया, कितने बचे अभी, 3 डिजिट बचे। तो जो 3 डिजिट बचे उसमें से कोई भी डिजिट यहाँ पर आ सकता है, तो इसको भरने के कितने तरीके, 3 तरीके, ठीक है। तो हमको पता है मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे बेटा, 1 × 4 × 3 × 1 कितना हुआ, 12। तो 12 ऐसे नंबर बन सकते हैं जो 3000 से 4000 के बीच में हो, 5 से डिविजिबल भी हो और उसमें सिर्फ ये डिजिट्स यूज हुए हों और इन डिजिट्स का रिपीटेशन भी ना हुआ हो। 12 इज द फाइनल आंसर।